हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आज मैं आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सुंदरपुर नाम के गांव में एक रमा नाम की लड़की रहा करती थी। वो दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। रमा अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती थी। उसकी माँ शीला और पिताजी श्यामलाल हर रोज मजदूरी का काम करके अपना गुजारा करते थे। रमा पढ़ी लिखी होने के कारण उसे पढ़ा लिखा ही लड़का चाहिए था। एक दिन शीला श्यामलाल से, हमारी रमा दिखने में इतनी खूबसूरत है मगर उसकी शादी ही नहीं हो रही है। हाँ शीला, इसका तो मुझे भी आश्चर्य है, मगर इसके नसीब में जब शादी लिखी होगी तभी होगी। ऐसा कहकर श्यामलाल वहां से चला जाता है। तभी वहां उसकी पड़ोसी मालती आ जाती है और शीला से, शीला क्या कर रही हो? आजकल बाहर भी नहीं दिखाई देती। मुझे थोड़े बहुत काम थे इसलिए मैं बाहर नहीं आई। तुम बताओ कैसे आना हुआ? शीला बहन, हमारे गांव में एक सिद्ध बाबा आए हुए हैं। तुम जरा रमा के बारे में उनसे जाकर पूछो, क्या पता वो कोई रास्ता बता दे। तो लड़की का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ मालती, तुम सही कह रही हो। मैं भी अब रमा के बारे में चिंतित रहती हूँ। उसकी चिंता अब तुम छोड़ दो। तुम बाबा से जाकर मिलो, वो तुम्हें उपाय बता देंगे। हाँ, मैं आज ही बाबा के पास जाकर आती हूँ। हाँ चलो, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ, ऐसा कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। तभी शीला अपने पति श्यामलाल से, अजी मैं सोच रही हूँ कि हम आज ही सिद्ध बाबा के पास जाकर आते हैं, वहां जाकर कोई ना कोई उपाय तो निकल ही आएगा। ठीक है, तुमने सोच लिया है तो सही होगा, हम तीनों भी जाएंगे। जी मैं रमा को बताकर आती हूँ, आप भी तैयारी कर लीजिए। ऐसा कहकर शीला रमा के साथ तैयारी करने चली जाती है और कुछ समय बाद तीनों घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों सिद्ध बाबा के पास चले जाते हैं। शीला सिद्ध बाबा को प्रणाम करती है। प्रणाम बाबा। आओ बेटी, क्या समस्या है? बाबा, मेरी बच्ची दिखने में सुंदर है, पढ़ी लिखी है, मगर उसकी शादी ही नहीं हो रही है। बाबा थोड़ी देर आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि, बेटी, तुम्हारी बेटी को मांगलिक दोष है, उसके वजह से उसकी शादी में रुकावट आ रही है। आपको उसकी शादी एक पीपल के पेड़ से करनी पड़ेगी, तभी उसको अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। बाबा आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम कल ही शादी करवा देंगे। ये उचित रहेगा, मैं कल शाम के समय आऊंगा तब शादी करवा देंगे। तुम सिर्फ एक पेड़ ढूंढ कर रखना, जिससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। शीला और श्यामलाल वहां से रमा के साथ चले जाते हैं। तभी उनकी नजर गांव के बाहर स्थित एक पीपल के पेड़ पर पड़ती है। वो पेड़ बहुत ही पुराना होता है, इसी वजह से शीला, मुझे लगता है यही पेड़ सही रहेगा हमारी रमा की शादी करने के लिए। हाँ ठीक है, हम कल ही आएंगे। ऐसा कहकर कल श्यामलाल अपनी पत्नी शीला के साथ रमा को दुल्हन के रूप में तैयार करके पीपल के पेड़ के पास लेकर आता है। तभी दुल्हन बनी रमा शीला से, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? डरने की कोई बात नहीं है रमा, बस कुछ घंटों में ये पूजा और शादी संपन्न हो जाएगी और हम हमारे घर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा कहकर रमा वहाँ खड़ी रहती है। सभी लोगों को पता ही नहीं होता कि उस पीपल के पेड़ पर भूत है। वो भूत रमा को देख बहुत खुश हो जाता है और खुद से, कितनी सुंदर दुल्हन है ये, शायद यहाँ शादी करने आई है, मगर ये तो पेड़ से शादी कर रही है। इससे अच्छा मैं ही इससे शादी कर लूँ। जीते जी तो मेरी कोई पत्नी नहीं थी, मगर मरने के बाद इतनी सुंदर बीवी मिलेगी। तभी वहां सिद्ध बाबा आकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्र पढ़ते ही रमा को पेड़ के चारों ओर घूमने के लिए कहते हैं। तभी रमा, जी बाबा, ऐसा कहकर रमा पेड़ के चारों ओर फेरे लगाती है। तभी भूत उसके पास आकर खड़ा होकर उसके साथ फेरे लगाता है। फेरे लगाते समय रमा खुद से, मेरे पास कोई है जो मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं दिख रहा है। रमा फिर से इधर उधर देखती है और पेड़ के साथ सात फेरे लगाती है। ये देख घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि उसकी शादी विधिवत हो गई। उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना दिया जाता है। इसी तरह से शादी संपन्न हो जाती है।
रमा अपने माँ पिताजी के साथ घर चली जाती है। रमा को रास्ते में घर जाते समय भी उसके साथ कोई है ऐसा लगता है। रमा अपनी माँ से, माँ मुझे कब से लग रहा है कि मेरे साथ कोई है। रमा आज तुम बड़ी थक गई हो, इसी वजह से तुम्हें लग रहा होगा। हाँ माँ, शायद तुम सही कह रही हो, मैं अभी सोने जा रही हूँ। ठीक है, ऐसा कहकर रमा अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। तभी रमा अपने गले से मंगलसूत्र निकालकर सो जाती है। अगले दिन रमा के गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था और मांग में सिंदूर भी भरा हुआ था। ये देख रमा चौंक जाती है। तभी भूत खुद से, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम ऐसी रहो ये पसंद नहीं है, ऐसा कहकर भूत वहां से चला जाता है। तभी रमा अपना मंगलसूत्र और सिंदूर निकाल डालती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है। अब अगले दिन से रमा को बहुत से अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। ये देख शीला और श्यामलाल बहुत खुश हो गए थे। एक दिन श्यामलाल के यहाँ एक संजय नाम का लड़का रमा को देखने आता है। तभी श्यामलाल उसका स्वागत करता है। आइए ना, नमस्ते। 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 ऐसा कहकर सभी घर में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में रमा चाय लेकर वहां आ जाती है और सबको चाय देने लगती है। तभी संजय को रमा के पीछे कुछ डरावना साया दिखाई देता है। तभी संजय, भूत भूत माँ, यहाँ भूत है, चलो यहाँ से। अरे आप कुछ भी क्यों कह रहे हो, यहाँ कहाँ भूत है, हमें तो नहीं दिखाई देता। माँ चलो यहाँ से, वो भूत देखो हमारी तरफ ही कैसे देख रहा है। हाँ संजय चलो, हमें नहीं करनी ये शादी, तुम्हारे लिए मैं कोई दूसरी लड़की ढूंढ लूंगी। ऐसा कहकर संजय और कांता वहां से चले जाते हैं। उनको जाते देख रमा अपने पिताजी के पास आकर, पिताजी मेरे नसीब में शायद शादी लिखी ही नहीं है, अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर रमा अपने कमरे में चली जाती है। इधर भूत बहुत खुश हो जाता है कि उसके घर से मेहमान डरकर भाग गए थे। अब हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि रमा को देखने के लिए लड़के आया करते थे, तभी भूत आकर कुछ ना कुछ करके उन्हें भगा दिया करता था। एक दिन रमा अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसे एक आवाज आती है। उस आवाज की ओर देखती है तो वो बहुत डर जाती है। वहाँ एक बहुत डरावना भूत खड़ा दिखाई देता है। तभी रमा भूत से, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैंने तुमसे शादी की है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैंने पेड़ के साथ शादी की थी, तुम्हारे साथ नहीं, समझे। तुमने मेरे साथ शादी की थी और मैं हमेशा उस पेड़ पर ही रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानती, मुझे अब आराम करना है, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर रमा सो जाती है। तभी वो भूत बाहर आ जाता है और देखता है कि शीला और श्यामलाल बातें कर रहे थे। शीला श्यामलाल से, हमेशा इतने अच्छे रिश्ते आते हैं मगर सभी भूत भूत कहकर भाग जाते हैं, क्या सच में हमारे घर में भूत है। मैं भी इसी दुविधा में हूँ कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है। मेरी बेटी का घर बसने जाता है और बसने से पहले ही उजड़ जाता है। ऐसा दोनों बातें कर रहे थे तभी वहाँ भूत आ जाता है और भूत शीला से, मैं इसी घर में रहूंगा, मेरी रमा से शादी हो गई है। भूत भूत तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो। भूत भूत मैं एक भूत हूँ, तुम्हारी बेटी और मैंने शादी कर ली है, अब मैं उसका पति हूँ, उसी नाते मैं आपका दामाद लगता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या, मेरी बेटी भूत से कैसे शादी कर सकती है। हम दोनों की शादी आप दोनों ने ही करवा दी थी। हम इस शादी को नहीं मानते। भूत से कोई शादी करता है क्या। तभी भूत को बहुत गुस्सा आता है, वो शीला को पकड़ता है और उसे ऊपर उठा लेता है। तभी शीला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अजी अजी बचाइए, ये भूत मुझे मार डालेगा। हाँ मैं कुछ करता हूँ, शीला तुम घबराओ मत। श्यामलाल वहाँ से जाने लगता है, तभी भूत उसको भी दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और ऊपर उठा लेता है। तभी घर में आवाज सुनकर रमा की नींद खुल जाती है और वो बाहर आकर देखती है तो भूत ने उसके माँ पिताजी को हाथों में पकड़कर उठा लिया था। ये देख रमा भूत से, मेरे माँ पिताजी को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। रमा तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं माँ, इस भूत से भागते कोई फायदा नहीं है, वो कभी भी आ सकता है।
तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। तुम इन्हें कह दो कि तुम्हारी शादी का विचार छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। ऐसा कहकर रमा कमरे में चली जाती है और दुल्हन का जोड़ा और उसका मंगलसूत्र लेकर आती है। तभी वो भूत देखता ही रहता है कि रमा क्या कर रही है। तभी रमा किचन में जाकर घासलेट लेकर आती है और कपड़ों पर डालने लगती है। तभी भूत रमा से, रमा तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे माँ पिताजी को छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर भूत उसके माँ और पिताजी को छोड़ देता है। तभी रमा उसके शादी के जोड़े को आग लगा देती है और उसमें मंगलसूत्र भी जल जाता है। ये देख भूत भी जल उठता है और भूत को मुक्ति मिल जाती है। अब रमा की शादी एक अच्छा लड़का देखकर हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।